जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, मैं चंद एक के नाम लूंगा, सबके तो नहीं ले सकता, जितने में ले सकूंगा मैं कोशिश करूंगा कि इसके बारे में मैं बताऊं। तो रिलीजियस ऑर्डर्स ऑर्डर्स एंड सिस्टर्स नंस सर्विसेज इन पाकिस्तान, ये जो रिलीजियस ऑर्डर है सिस्टरों के जो के नंस हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं सिस्टर्स में और नंस में क्या फर्क है। सिस्टर्स उसे कहा जाता है जो कि स्टडी करती हैं, सोशल वर्क करती हैं स्कूल्स में कॉलेजेस में, लेकिन नंस उसे कहा जाता है जो सोलम प्रोफेस्ड होती हैं, सोलम प्रोफेशन जिसका हो जाता है उसे कहा जाता है। सबसे पहले मैं फ्रांसिस्कन कॉन्ग्रीगेशंस की बात करता हूं। फ्रांसिस्कन चार जमायतें पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जो कि सबसे पहले मैं नाम लूंगा फ्रांसिस्कन एफएमएम सिस्टर्स। इनका जो है, इनका मोस्टली मोटो जो है इनकी कॉन्ग्रीगेशन का, जो इनका एम है वो है एजुकेशन। एजुकेशन में वैसे सोशल वर्क भी करती हैं, पैशिस में भी काम करती हैं। इनका एजुकेशन में जो अगर देखा जाए तो कराची में उनका सेंट लॉरेंस स्कूल्स में वो सिस्टर्स काम करती हैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर हैदराबाद में देखा जाए सेंट मेरी स्कूल है, हायर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हायर स्टैंडर्ड स्कूल है वो, वहां पर भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैदराबाद में कहा जाता है सबसे बड़ा स्कूल है और उसमें बहुत ही ज्यादा एजुकेशन में उसको डेवेल्प किया जाता है, ये उनका काम है। इसके अलावा रावलपिंडी में उनका एक स्कूल है, वो भी हायर सेकेंडरी स्कूल है एफएम सिस्टर्स का, और मैं समझता हूं कि ये जो है उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्कूल हैं इसके साथ, हेल्थ के हवाले से भी वो काम करते हैं। इनका फैसलाबाद में भी एक हॉस्पिटल है, फिर नियारापुर में स्कूल भी, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी भी है। इसके अलावा डिफरेंट तरीके से वो काम करते हैं, खुदा उनके नाम को जलाल देती हैं, और उनका मोस्टली काम है एजुकेशन पॉइंट से वो हेल्थ के मुताबिक। इसके बाद है फ्रांसिस्कन सिस्टर्स FCJ। FCJ जो है इसको मॉल्टी सिस्टर भी कहा जाता है, ये पंजाब में भी है, सिंध में भी है, सिंध में हम कराची में देखते हैं इसे, ये भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हेल्थ के हिसाब से वो काम करती हैं। इनका एक हैदराबाद में हॉस्पिटल है, इसके अलावा एक मीरपुर में स्कूल है, हॉस्पिटल है जिसमें वो काम करती हैं, ये हॉस्टल में भी काम करती हैं, हॉस्टल भी इनका है, पर डिफरेंट इनके काम है जो कि खुदा उनके काम को जारी और सारी रखती हैं। ये हॉस्टल यहाँ बहुत सारे हैं जिसको वो मीरपुर में भी है, यहाँ पर भी है, इसको सर अंजाम देती हैं। ये एफ जो हम कह सकते हैं FCJ जो सिस्टर्स है, ये बहुत इन्होंने काम किया जिनमें, और इनका एक नाम है और उन्होंने खुदाम के नाम को जलाल दिया, पैरिश में भी काम करती हैं। इसके अलावा फ्रांसिस्कन सिस्टर जो है FMCK, ये कराची में जो साड़ी वाली सिस्टर हम कहते हैं, जो कि ये इनके ज्यादा स्कूल भी हैं, लेकिन ज्यादा ये ओल्ड एज होम में काम करती हैं, गरीबों के साथ काम करती हैं, इनके हैंडीकैप्स में वो काम करती हैं, और इनका दारुल सुकून जो है ये कराची में बहुत बड़ा सेटअप है, जो कि वो सिर्फ एक मजहब को नहीं देखती, इंसानियत को देखती हैं, जो भी जरूरत है इंसानियत की खिदमत करना और उनका काम है इस तरीके से कि वो करती हैं। इसके अलावा फ्रांसिस्कन FTL जो सिस्टर्स हैं, ये लाहौर डायसिस में काम करती हैं, कैप्टन फादर्स ने स्टार्ट किया था, और ये लाहौर डायसिस में, ये भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और हेल्थ के हिसाब से ये काम करती हैं, इनका ये काम है। FC सिस्टर जो है, जो सन जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल जिनका है या कॉलेज है, वो सिस्टर है FC डॉटर ऑफ क्रॉस, इनका काम जो है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ इनकी डिफरेंट मिनिस्ट्री है, ये स्ट्रीट चिल्ड्रन को भी पढ़ाती हैं, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में अपनी गाड़ी को भेज के बच्चों को बुलाकर उनको पढ़ाकर उनको बुक्स देना सब कुछ, और इनके एक डिफेंस में प्रोविडेंस हाउस में इनका एक हॉस्टल है जहां पर ये काम करती हैं, और वहां पर ब्रोकन फैमिली जो है जिसका बाप नहीं होता या मां नहीं होती या छोड़ जाते हैं या मर जाते हैं, उनके बच्चों को वहां पर एजुकेशन देते हैं और उनको रखा जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है जो वो रखती हैं। डिफरेंट हॉस्टल्स हैं जो कि नवाबशाह में हॉस्टल है, डिफरेंट स्कूल्स हैं इनके जो कि काम को जारी और सारी रखते हैं, कुछ मेडिकल डिस्पेंसरी भी कुछ में काम करती हैं, तो ये इनका सोशल पैरिशेस में भी काम करते हैं, घरों में भी वो काम करती हैं, डिफरेंट उनका काम है। इसके अलावा जीसस मैरी सिस्टर, मैं जीसस मैरी सिस्टर्स की बात करता हूं, जो पाकिस्तान में इन्होंने काम किया,
ये सबसे पहला स्कूल जो है जिसल मैरी का सियालकोट में उन्होंने शुरू किया कॉन्वेंट ऑफ सेंट जिसल मैरी, फिर उसके बाद मरी में इनका स्कूल है, लाहौर में है, कराची में है और पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में। इनका मोटो ही एजुकेशन को फैलाना है और पाकिस्तान में इन्होंने एजुकेशन को वो मियार दिया कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एजुकेट बनाकर लोगों को सामने लेकर उन्होंने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एजुकेशन को इम्प्रूव करवाया और इम्पोर्टेंट दी। पर मैं समझता हूँ कि जिसल मैरी का थैंक्स करना चाहिए, उन्होंने बहुत ज्यादा ये पाकिस्तान में काम किया। जब हम बात करते हैं डोमिनिकन सिस्टर्स की, डोमिनिकन का भी सिस्टर्स का प्रीचिंग करना, ऑर्डर ऑफ प्रीचिंग प्रीचिंग करना है। इसके अलावा सोशल वर्क करती हैं सिस्टर्स और इनके साथ कुछ डिस्पेंसरी भी चलाती हैं और डिफरेंट काम में ये सरगर्म है। पैशिस में काम करना और डिफरेंट लोगों के साथ काम करना ये डोमिनिकन सिस्टर्स का काम है और ये भी बहुत पूरे पाकिस्तान में ये काम करती हैं। और इन्हें स्कूल एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इन्होंने बहुत काम किया। जब हम मदर टेरेसा सिस्टर्स की बात करते हैं तो जैसे कि कहा जाता है इंडिया में उन्होंने शुरू किया, मदर टेरेसा ने, उसे मदर ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसकी कॉन्ग्रीगेशन जो है उन्होंने पूरे पाकिस्तान में यहाँ पर लाहौर में और अभी कराची में भी है और वो ज्यादा उन बच्चों को लेते हैं जिनको कोई पूछता नहीं, गरीब लोगों को या वो लड़कियां जिनको कोई पूछा नहीं जाता उनको पूछा जाता। मदर टेरेसा ने जब बात की तो वो रोड़ों से उठा उठा के बच्चों को लाते थे। मैंने एक साल पास्टर वर्क किया था लाहौर मदर टेरेसा सिस्टर्स में और वहां बच्चे जो जो अपने पास रखना नहीं चाहती थी लड़कियां वो वहां पर छोड़ के चले जाते थे मदर टेरेसा के घर में, तो वो उनको पालती थी। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम वो करती हैं, कराची में भी वो काम कर रही हैं, पैरिस में भी करती हैं और ज्यादा उनको मोटो होता है उनके गरीब बच्चों को जो अपाहिज बच्चे हैं हैंडीकैप्ड हैं उनको काम करना और जो न्यू लोग हैं या न्यू बोर्न बेबी हैं उनको वो लुक आफ्टर करती हैं, संभालती हैं। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर ऑफ सेंट पॉल्स। डॉक्टर ऑफ सेंट पॉल्स वो ज्यादा कोशिश करती हैं, जैसे सेंट पॉल ने सबसे ज्यादा उसने मिशनरी काम किए, इनका काम है खुदा यीशु मसीह के जीसस के काम को जारी सारी रखना। इनकी शॉप्स हैं, कुछ भी आपको पिक्चर चाहिए, क्रॉस चाहिए, रोजरी चाहिए या कुछ भी, तो ये एक कराची में इनकी शॉप है, एक लाहौर में और डिफरेंट जगहों पर वो जाते हैं ताकि वो डॉक्टर सेंट पॉल जो सिस्टर्स हैं वो काम करती रहती हैं। इसके अलावा सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ जीसस मैरी ये जो है लाहौर में है तारघर के सामने, तारघर में जो उनका कॉन्वेंट है, कराची में भी वो सरगर्म काम करती हैं, यहाँ पर उन्होंने ओल्ड एज होम को काम कर रही है ओल्ड एज होम में। इसके अलावा चिशावत्नी में भी हैं, डिफरेंट जगहों पर उनके स्कूल्स हैं, वो स्कूल्स में ज्यादा काम करते हैं, साथ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम करती हैं, हॉस्टल में भी काम करती हैं, हॉस्टल को संभालती हैं, लड़कियों के हॉस्टल इनके साथ। इसके अलावा है प्रेजेंटेशन सिस्टर्स। प्रेजेंटेशन सिस्टर जो है इनके लाहौर में इनका स्कूल है, इनका अगर देखा जाए मरी में इनका स्कूल है, इनको 100 इयर्स हो चुके हैं लाहौर में। इसके अलावा डिफरेंट पंजाब डायसिस में इनके काम है जो के प्रेजेंटेशन सिस्टर जो काम कर रही हैं, इनका एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम है, हमेशा एजुकेशन को प्रमोट करती हैं, पैरिस में काम करती हैं, डिफरेंट जगहों पर काम को जारी सारी करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर रूथफो, उसको कौन नहीं जानता, डॉक्टर रूथफो की जो सिस्टर्स हैं उनका भी काम, जैसे कि हम कराची का जो सिविल हॉस्पिटल है अभी डॉक्टर रूथफो हॉस्पिटल उसके नाम से मखसूस किया गया है, उसकी जुमाइत का भी एजुकेशन को प्रमोट करना, हॉस्टल को रन करना, उसकी सिस्टर उनके साथ जो है सिस्टर जनीन जो है वो जर्मन से आई है और उन्होंने जो काम पाकिस्तान में किया, जो पाकिस्तान में पढ़ नहीं सकता था या पढ़ नहीं सकती थी लड़कियां लड़के, उनको उन्होंने एजुकेशन दी, प्रमोट किया, एडल्ट एजुकेशन पे उसने बहुत काम किया। मंगूपीर में उसका एक स्कूल है और वहां हॉस्टल है और डिफरेंट और जगह पर भी उनके स्कूल्स और डिफरेंट हॉस्टल्स हैं जहां पर वो काम करती हैं। मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर रूथफो की जो सिस्टर्स हैं वो भी बहुत काम सर अंजाम दे रही हैं। आखिर में मैं ये कहूंगा कि ये सिस्टर्स के लिए इनको
मैं कहता हूं कोई गॉडलेस गॉडलेस देम कि खुदा उनको हमेशा ब्लेस करे और वो एक वाकई पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुशांत है, बहुत ब्लेसिंग है जो कि वो काम को जारी और सारी रखती हैं। मैं ये समझता हूं कि लोगों को इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये सिस्टर ऐसे नहीं बन जाती बल्कि बहुत मेहनत करने के बाद, एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद वो एक सिस्टर बनती हैं और उसके बाद नंस बनती हैं। और अपने बच्चों को भी, जो आपकी बेटियां हैं, अगर वो इन सिस्टर्स में भेजना चाहते हैं, मैंने कोशिश की है थोड़ी बहुत डिटेल बताने की, ज्यादा तो डिटेल नहीं है, लेकिन अपने किसी भी कॉन्ग्रीगेशन में अपनी अपनी बेटी को भेजना चाहते हैं, अपनी बहन को भेजना चाहते हैं, अपने किसी रिलेटिव को भेजना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि खुदावन ने कहा है फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, अपने फसल के मालिक की मिन्नत करो कि फसल को और बढ़ाया जाए। मैं समझता हूं कि अपने बच्चों को जरूर इन सिस्टरों में भेजें ताकि खुदा उनके जलाल को मजीद शादमान किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एंड मैं ये कहता हूं कि ये वीडियो जो है कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस शेयरिंग के साथ साथ इसको कोशिश करें सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो और भी ज्यादा आपको इंफॉर्मेटिव मिले और बहुत नई वीडियो मिले ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। थैंक यू सो मच।